मैं हूं शेख मजार, आप देख रहे हैं AHN न्यूज, आपका वक्त आपकी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। मुल्क के पहले वजारत तालीम और अजीम मुजाहिद आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद के 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत तेलंगाना के महकुमे अखलियाती फलाह व बहबूद के तहत तेलंगाना स्टेट उर्दू अकाडमी की जानिब से शहर के उर्दू मस्कन हाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में रियासत के होम मिनिस्टर महमूद अली, तेलंगाना स्टेट उर्दू अकाडमी के सदर नशीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी समेत दीगर मुअस्सिस शख्सियतों ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में शोबे तालीम में असातेज़ा व तुलबा व तालिबा को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से नवाजा गया। आइए देखते हैं AHN न्यूज चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की ये रिपोर्ट। जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब और मेरे भाई और माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान में हमारे आनेबुल सीएम साहब ने, मैं समझता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का सपना कोई पूरा कर रहे हैं, वो K.Eshwar साहब कर रहे हैं। आज हमारे पास मुसलमानों की खिदमत करने के लिए हमारे हिंदू भाई, हमारे कपूला ईश्वर साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हिंदू भाइयों की खिदमत करने के लिए होम मिनिस्टर का अहदा मुझे दिया गया। ये गंगा जमुना तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि तेलंगाना में भाईचारगी रहे, मोहब्बत रहे और हम लोग मिलजुल कर तरक्की करें और सारे तरक्की के हिस्से में मुसलमानों का भी बराबरी का हिस्सा मिले। ये हमारे सीएम साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश है और हमारे आनेबुल सीएम साहब के पास जो हमारे एडवाइज़र AK.Khan साहब, इससे पहले मैं आपसे बताता हूँ, जितने सीएम